हाय फ्रेंड्स, जेएस स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। मैं आपको दोस्त, आज हम जो है आज डिस्कस थ्रो को एनालिसिस करेंगे। जो हमें स्टैंडिंग थ्रो होती है उसके अंदर जो है हमारा जो हिप की पोजीशन है वो क्या रहनी चाहिए, पैरों की क्या रहनी चाहिए और हमारा जो फेस है वो कहाँ रहना चाहिए और हाथ का जो है जो डिस्टेंस है वो हाथ के ऊपर डिपेंड करके हाथ कितनी दूर रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम जो है एनालिसिस करेंगे। लेकिन इन सब के बारे में हम 1x1 करके जो है वीडियो बनाएंगे। जैसे आज के हम टॉपिक रखेंगे कि हम जो है हिप का इस यूज़ कैसे करें, हिप का सही इस्तेमाल करना बताएंगे आप। फिर हम ऐसे करके एक दिन जो है अपनी लेग पावर, जो अपना जो फुटवर्क है हमारा वो सही होना चाहिए, पैर कहाँ रहना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। फिर एक दिन जैसे ही हाथ बताएंगे, हाथ की डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए, कितने एंगल पर हाथ चलना चाहिए और हमारा जो उसके बाद आता कि फेस कहाँ रहना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम जो है इसको जो है पहली वीडियो बनाएंगे आज जो है उसके ऊपर, हिप के ऊपर कि हमारा हिप की पोजिशन क्या रहनी चाहिए और उसका मूवमेंट क्या रहना चाहिए उसके ऊपर। ये बच्ची है, इस बच्चे माध्यम से बताऊँ मैं। जैसे ये स्टैंडिंग पोजीशन, अब वो जो है बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लो स्टैंडिंग पोजीशन तो ये ठीक बना ली, खड़े हो गए, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे हिप का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए। जैसे मान लो बहुत से बच्चे कह रहे हैं हिप चला देते हैं, हिप चलाते हैं तो हिप को जो है ऊपर की तरफ खोल देते हैं ऐसे, जैसे ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ एंगल कर देते हैं उसका। तो उससे क्या होता है कि जो है हमारा जो हिप की पूरी पावर है वो हाथ में नहीं आ पाती, या हमारा जो हमारे हाथ में इम्प्लीमेंट है वो उसमें जो है पावर हम दे नहीं पाते। जो हमारा जैवलिन वो जो हमारा डिस्कस है वो ज़्यादा हाइट पे चले जाता है और कभी इधर कभी उधर चला जाता है, तो इसकी वजह होती है कि हम हिप का मूवमेंट ठीक नहीं रहता, यानी कि हम हिप को जो है सीधा ऊपर ला के छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत है। हिप की जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ रहनी चाहिए। जैसे अभी इस बच्चे ने करा हिप बहुत बार से, ये करा ये हिप ऐसे ऊपर तरफ खोल रही है। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमने हिप खोल दिया है तो पावर ऊपर तरफ चलती है, कमर अंदर पड़ जाती है और जब हम लगाएंगे थ्रो तो सीधे बिल्कुल थ्रो ऊपर चली जाती है। तो ये एक जो पहला पॉइंट है कि हमारे हिप का मूवमेंट जो है ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तो इसमें मूवमेंट करना चाहिए। जैसे हम जो है बेल्ट बांध लेते हैं, जैसे हम जो है अपनी पैंट के अंदर जो बेल्ट बांधते हैं, जींस पहनते हैं हम बेल्ट बांधते हैं, तो जिस तरह से हम बेल्ट पहनते हैं, जैसे मान लो बेल्ट इधर से इधर से इधर क्लोज करते हैं ऐसे पाते हैं, तो सेम जो हिप का मूवमेंट है उस बेल्ट की तरह होना चाहिए। यानी कि हमारा जो हिप मूवमेंट करेगा अंदर की तरफ करेगा, ऊपर की तरफ नहीं करेगा। हम डिस्कस जैसे आगे की तरफ मारेंगे तो क्या करते हैं बच्चों की हिप भी वहीं खोलती है, तो पूरी जो पावर है वो जनरेट नहीं हो पाती, हमारे जो डिस्कस है उसमें जा नहीं पाती है। तो इसलिए हमारे हिप का जो मूवमेंट रहेगा वो हिप का मूवमेंट जो है अंदर की तरफ रहेगा, ना कि ऊपर की तरफ। तो इसलिए बच्चे दिखाएंगे जो करके दिखाओ, अब जैसे ये है, अब ये है, अभी हिप का मूवमेंट है, ये जैसे बच्चे का अंदर की तरफ लगा ऐसे अंदर की तरफ, ये लगा अंदर ऐसे, यहाँ रहना चाहिए ये, और ये हमारे हाथ है ये 90 डिग्री पर रहना चाहिए इस तरह से। तो हिप का जो मूवमेंट है अंदर की तरफ रहना चाहिए, ये अंदर की तरफ, और जो हमारा ये नी है ये बैंड रहना चाहिए, ये जितनी ज़्यादा खुलेगी हमारा हिप ऊपर तरफ चलेगा। तो हमारा क्या है, ये हिप जब हम अंदर की तरफ चलाएंगे बेल्ट की तरह, जैसे बेल्ट लग जाती है उसके बाद हम यहाँ से थ्रो रिलीज कर देंगे ऐसे, और पैर ही आगे चला जाएगा और नी बैंड की बैंड रह जाएगी। तो ये हिप की मूवमेंट होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे ही गलती करते हैं, हिप ऊपर तरफ खोल देते हैं, जैसे मान लो यहाँ गए, ये हम पीछे गए ऐसे और यहाँ सीधा ये मार दिया ऊपर तरफ, तो ये हमारी जो लेग है ये पूरी खुल जाती है, नी हमारी जो है पूरी खुल जाती है, हिप ऊपर तरफ खड़ा जाता है ऐसे। अब हिप ही हमारा खुल गया ऊपर, फिर वो सीधी ऊपर चली जाती, पावर नहीं लग पाती। तो हमारे हिप की मूवमेंट जो मैंने अभी बताई, हिप की मूवमेंट जो होनी चाहिए वो बेल्ट की तरह, जैसे बेल्ट होती है ना एक बिल्कुल राउंड सर्कल मूवमेंट में, जैसे हम ये आए अंदर, ये अंदर अंदर अंदर, ये अंदर की तरफ मूवमेंट होनी चाहिए, अंदर बिल्कुल अंदर। और हमारा जो हाथ है वो उसकी पोजीशन 90 डिग्री पर होनी चाहिए, हाथ 90 डिग्री पर है, हिप की मूवमेंट अंदर की तरफ है, तब हमारे जो इम्प्लीमेंट है जो हमारा डिस्कस है वो जो ज़्यादा डिस्टेंस ले पाएगा, ज़्यादा दूर जाएगा और आप जो है सही दिशा में थ्रो कर पाएंगे। तो ये मेरे पास बहुत सारी वीडियो देखता हूँ बच्चों की, तो इसमें मिस्टेक मैंने देखी कि जो हिप का मूवमेंट है वो सही नहीं रहता, हिप को जो है ऊपर की तरफ रिलीज करते हैं, ऊपर की तरफ हिप ला के छोड़ देते हैं। तो ये गलती है जो मैंने आज आपको बताई, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।